फैम हो ये बड़े से मार दोगे। अभी सुबह के बज चुके हैं 6 और इस टाइम देखा जाए तो इधर आपका पड़ जाएगा BHU और दूसरी तरफ आपका पड़ जाएगा रामनगर किला। तो गाइस उसके बीच में पुल पे हैं। तो गाइस आज के वीडियो में दिखाने वाले हैं रांझणा मूवी 2013 में जो कि आई हमारे धनुष सर और सोनम कपूर की। तो पहला पार्ट हमने दिखाया था काशी विश्वनाथ मंदिर जैसे हमारा 80 घाट, तो वहाँ से शूट लिया गया। दूसरा शूट लिया गया राजा साहब के किला के पास से। तो चलते हैं वहीं से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं। ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। तो गाइस आ चुके हैं हम उस लोकेशन पे जहाँ से हमारे धनुष सर सोनम कपूर को आई लव यू बोलते हैं, तो वही सीन है। तो आप लोग यहाँ पे उनका हाथ पकड़ते हैं और जैसा कि आप डिज़ाइन को मिला सकते हो वो देख रहे हो डिज़ाइन, वो डिज़ाइन आपका मैच कर जाएगा। तो यहीं से वो बोलते हैं। और दूसरी चीज़ ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है ये खंबा, तो खंबा भी मैच कर सकते हो और वो डिज़ाइन भी मैच कर सकते हो। और जो बरामदा वो डिज़ाइन बना हुआ है स्क्रीन शॉट में मिला सकते हो, स्क्रीन शॉट लगा दिया है। और दूसरा सीन लिया गया है लस्सी वाले के पास, तो चल कर दिखाते हैं लस्सी वाले लेकर। होते हैं दूसरी बार जो खड़े होते हैं तो इस दुकान के पास खड़े होते हैं जो कि आप लोगों को ये दुकान दिख रहा होगा, ये गुल्लक का दुकान रहता है, सारा दुकान इधर ही रहता है। और तीसरा सीन जो लिया गया है लस्सी वाले के पास, वो तो यहाँ से कैमरा लिया गया है स्वागतम है। तो यहाँ से हमारे धनुष सर खड़े होते हैं, यहाँ पे हमारे धनुष सर खड़े होते हैं गाइस, और उनको लिखा होता है आप लोग स्क्रीन शॉट में लगा दिया मैच कर लीजिएगा, यहाँ पे स्वागतम है लिखा हुआ है। तो एक सीन यहाँ से भी लिया गया है। दूसरा सीन जो बरामदे को आप मैच कर सकते हो वहाँ से भी एक सीन लिया गया है। वो जो बरामदा जो है वो डिज़ाइन आप दिख रहे हैं अड़ी चैट देखा, तो वो पहले नहीं हुआ करता था, वो जो बरामदा दिख रहा है वो बरामदे का डिज़ाइन, तो वो भी आ रहा है डिज़ाइन में मैच के लिए स्क्रीन शॉट लगा दिया है। और तीसरा सीन जो लिया गया है यहाँ से, जो कि आधा हमारा किला आ रहा है और आधा हमारा ये आ रहा है जय जवान जय किसान। तो यहाँ से वो सीन लिया गया है जब लास्ट टाइम हमारे धनुष सर सोनम कपूर का हाथ पकड़ते हैं, तो बोलते हैं कि सोनम कपूर बोलते हैं कि कल बोर्ड का लास्ट पेपर है गंगा किनारे वाले किले पे आ जाना। तो यहीं से सीन लिया गया है। आप लोग देख सकते हो पहले पेड़ लगा हुआ था जो कि अब पेड़ नहीं आ रहा है, तो यहीं से सीन लिया गया है। एक सीन और लिया गया है जो कि किले के बिल्कुल ठीक से जो सॉन्ग होता है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। चलो अब एक सीन लिया गया है राजा साहब के किले के ठीक सामने से जो कि सॉन्ग होता है हमारे धनुष सर इस किले से निकलते हैं, तो चलते हैं। वो सीन लिया गया है यहाँ से, सीन लिया गया है अंदर से आते हैं बिल्कुल ठीक एकदम यहीं से आते हैं और यहीं पे हमारे धनुष सर मतलब डांस करते हैं। तो यही वो किला राजा साहब का, आप लोग मैच करा लेना, डिज़ाइन वही है और किला भी वही है राजा साहब का काफी मेरे का। तो ये वही जगह है भैया बता दिखा दो, ये वही जगह है जहाँ से हमारे धनुष सर डांस करते हैं होली वाला डांस। जब हीरोइन बोलती हैं मतलब सोनम कपूर बोलती हैं कि तुम्हारी कंसेस्टी भी मिल रहे हैं तुम प्यार में नहीं, तो वो वहाँ से सीन लिया गया है। आप अभी यहाँ पे बस खड़ा हुआ है तो वहाँ से सीन लिया गया है। और दूसरा सीन जो सॉन्ग का होता है वो यहाँ से लिया गया है। और तीसरा सीन अगर जो लिया गया है जहाँ पे उनको बुलाती हैं तो राजा साहब का किला अंदर है, वो मतलब नदी के पास दरिया के पास है, वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग जा नहीं सकते। तो गाइस एक सीन लिया गया है हमारा यहाँ से जो कि दोनों आदमी यहाँ पे खड़े होते हैं हमारे सोनम कपूर और जो हमारे धनुष सर होते हैं, तो यहाँ से सीन लिया गया। आप इसको गुलंबर को मिला सकते हो और यहाँ पे लस्सी भंडार है, तो लस्सी भंडार का भी दुकान आया है। और गाइस एक चीज़ जो बड़ी ख़ास है अगर देखा जाए तो वो जो स्कूल का ड्रेस पहने रखी है, तो वहाँ यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, बस पहनाया गया था वो DAV कॉलेज का स्कूल मतलब उनका ड्रेस है, तो ड्रेस पहने रहती है DAV कॉलेज का और स्कूल यहाँ का दिखाया गया और शूटिंग भी वहीं की हुई है, लेकिन ड्रेस पहन के यहाँ से जाती है। तो देखो यहाँ पे रामनगर चौराहे पे इस टाइम हम हैं, तो आप लोगों को पूरा लोकेशन दिखाने की कोशिश करते हैं जो कि एक सीन यहाँ से लिया गया था जो कि मैंने दिखाया ये गुलंबर के पास, आप लोग लस्सी का दुकान मैच कर सकते हो। दूसरे सीन की अगर बात करें तो इसके बाद ही आपका आ जाएगा
वो जो देख रहे हैं आप लोग गुल्लक की दुकान और जो ये वाला गुंबद है, ये वाला गुंबद और ये वाला रेलिंग, तो आप लोग मैच कर सकते हैं। एक सीन यहाँ से उस पार से लिया गया है खंबा के पास से, और तीसरा सीन लिया गया है यहाँ से जो कि राजा साहब का किला है। तो तीनों एक ही जगह, ये राजा साहब का किला और जय जवान जय किसान का जो वो बना हुआ है तो यहीं से लिया गया है। और देखा जाए तो पूरा सीन यहीं से लिया गया है और कैमरा लेने में काफ़ी मतलब मेहनत की गई है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलट पलट करके कैमरा लिया गया है जो कि बहुत बहुत ही बढ़िया लगता है। तो पूरा सीन यहीं का है तो आप लोग देख सकते हो। और एक सीन यहाँ का है राजा साहब का जो सामने वाला गेट है उसके सामने जो हमारे धनुष सर डांस करने हैं। और तीसरा सीन लिया गया है राजा साहब के उधर दरिया के पास का, जो कि देखा जाए तो दरिया के पास जाना अभी अलाउ नहीं है। और एक चीज़ मैंने बताई जो कि सबसे खास थी, हमारे सोनम कपूर जो ड्रेस पहन के यहाँ पे खड़ी रहती हैं वो ड्रेस इधर का नहीं है, वो डीएवी कॉलेज का ड्रेस है। देखा जाए तो वो ड्रेस वहाँ का पहने रहती है, वहाँ का सीन भी लिया गया तो यहाँ से लिया गया। देखा जाए तो यहाँ पे एक सैलून होता है बीच में, और वो शटर आप लोगों को दिख रही होगी, ये जो शटर है यहाँ पे लोग खाना वाना खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं पूरी सब्जी, तो एक सीन यहाँ से लिया गया है। तीन दुकान होती है, एक शटर होती है और एक होता है एसटीडी और एक होता है जो है सैलून, तो यहाँ से सीन लिया गया है। आज हमने दिखाया रामनगर का सीन। देखा जाए तो रंजना मूवी में बनारस के बड़ी बड़ी ऐतिहासिक चीज ली गई है, जैसे देखा है रामनगर, अस्सी घाट, दुर्गा कुंड, DLW का सीन। तो हमने आपको DLW का नहीं दिखाया और दुर्गा कुंड का, तो कल के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे दुर्गा कुंड और DLW। तो आज के लिए गाइस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। काम करिए, इन्जॉय करिए, लाइफ इज ऑल अबाउट डेट। कल के ब्लॉग में आप सभी से मुलाकात हो जाएगी, तब तक के लिए बाय।